दोस्तों आज के इस वीडियो के मदद से हम लोग ये देखेंगे कि ये हमारे पास थ्री फेस पंप है और दोस्तों ये पंप चल रहा है लेकिन पानी नहीं उठा रहा है। क्यों नहीं उठा रहा है सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे और इसको प्रॉपर सही तरीके से रिपेयर करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग यही देखेंगे, बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूँ इम्तियाज, आप देख रहे हैं हीट ट्रीटमेंट मेंटेनेंस। आइए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। ये दोस्तों हमारा कैलस्कर कंपनी के द्वारा बनाया गया है ये वाला मोनो ब्लॉक, तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं। इसमें दोस्तों हमारे चार नट बोल्ट लगाए हुए हैं, तो चारों को हम लोग पहले खोल लेते हैं किसी पाने या चाबी के मदद से। बिल्कुल सावधानी से खोलेंगे और इसको रिपेयर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर खोल देते हैं। दोस्तों हमने वीडियो को थोड़ा स्पीड कर दिया है। खोलने के बाद हथौड़े से हल्का हल्के चोट मारेंगे और चोट मार के इसे बाहर निकालेंगे जो इम्पेलर वाला सेक्शन है। अगर नहीं निकलता है तो हल्का छेनी रख के मारेंगे, लेकिन सावधानी से मारेंगे क्योंकि इसमें जेनसीट लगाया होता है। अगर आप सावधानी से नहीं मारते हैं तो इसका जो पैकिंग होता है जेनसीट, वो हमारा कट जाएगा। हमने इसको निकाल लिया, अब यहाँ साइड में रखते हैं। कुछ देख रहे हैं कि इसका इम्पेलर कुछ इस प्रकार के दिखता है और इसके जो इम्पेलर के अंदर में दोस्तों जो पोलोथीन होता है उसमें पूरा पोलोथीन से ये जाम हो चुका है क्योंकि ये हमारा जो मोनोब्लॉक है, ये जो हमारा पंप है, ये पंप दोस्तों सीवर से पानी निकालता है। एक सीवर बनाया हुआ है, उस सीवर से पानी निकाल के कहीं और पहुंचाता है, तो इसीलिए उस सीवर में जो भी पोलोथीन वोलोथीन जाते हैं वो सारे को इसने खींच लिया है। तो हम इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए क्या करना है कि आपको जो कूलिंग फ़ैन है, कूलिंग फ़ैन के ऊपर कवर लगाया होता है, उस कवर को ओपन कर देना है। और देखिए इसमें इसका क्या हाल है, कितना मिट्टी इसने इकट्ठा किया है। तो हम इन सब को क्लीन कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे और इसके जो कूलिंग फ़ैन होता है उस कूलिंग फ़ैन को भी हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे क्योंकि निकालेंगे तभी हम लोग प्रॉपर इसे क्लीन कर सकते हैं। इसमें एक पिन लगाया होता है, उस पिन को आपको प्लास के मदद से या पेचकस के मदद से खींच देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इस पिन को खींच देते हैं। खींचने के बाद कूलिंग फ़ैन निकाल देते हैं और इसको साइड में रखते हैं। अब हमने इसके कूलिंग फ़ैन खोल दिया, अब इसके इम्पेलर को खोलेंगे। दोस्तों इसके इम्पेलर किस प्रकार से खोलेंगे, इसमें आप देख रहे हैं कि हमारा पास यहाँ इम्पेलर में 12 mm की एक नट लगाया हुआ है। और नट लगाया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे कि पिछले हिस्से से जो कूलिंग फ़ैन का हिस्सा है उधर में जो पाइप रिंच होता है उस पाइप रिंच से पकड़ेंगे और पाने के मदद से इसे खोल लेंगे। थोड़ा सा आपको जोर मारना होगा और मेहनत करके इसे खोलना होगा। अगर दोस्तों आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास गोटी सेट होगा तो उस गोटी सेट से भी खोल सकते हैं। तो इसके ऊपर में हल्का हल्का चोट मार देते हैं कि अगर दोस्तों इसमें जंग लगा होगा तो छोड़ देगा। तो हमारे पास यहाँ गोटी सेट है तो हम यहाँ पर एक गोटी निकालते हैं, जो नट उसमें लगाया हुआ है उसी नट के साइज़ के गोटी निकाल लेते हैं और गोटी निकाल के इसमें लगा लेते हैं। और जो दोस्तों पिछले हिस्से है पाइप रिंच से हमें पकड़ना होगा इसके जो शाफ्ट है ताकि हमें घूमे ना, तो हम यहाँ पर पाइप रिंच लगा के शाफ्ट से पकड़ के और गोटी से घुमाएंगे तो ये हमारा आसानी से खुल जाएगा। अगर आपसे अकेले नहीं होता है तो आपको एक बंदे से कराना है ये काम। जैसे कि आपको जो इम्पेलर वाला हिस्सा है इधर तो आपको पकड़ना है और जिधर कूलिंग फैन लगता है उधर पाइप रिंच से किसी और बंदे से पकड़वा देना है, तब आप आसानी से इसे खोल सकते हो। क्योंकि हम यहाँ अकेले जोर मार रहे थे तो हमारा ये नहीं खुला, तो हम यहाँ एक बंदे के मदद से इसे आसानी से खोल लिए और इसे दोस्तों आसानी से खोल लेंगे, खोल के बाहर निकाल लेंगे। अगर हो सके तो इम्पेलर को ऊपर ज़्यादा चोट आपको नहीं मारना है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। इस प्रकार से करके आप निकाल सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास पुलर है दोस्तों बैरिंग पुलर, तो आप बैरिंग पुलर के मदद से भी निकाल सकते हो। हम यहाँ पर इसे ठोक ठोक के हल्के हल्के निकालेंगे, ज़्यादा ठोकेंगे नहीं, नहीं तो आपके इम्पेलर का बैलेंस ख़राब हो जाएगा। तो फिर जब यह अंदर चलेगा दोस्तों तो ये लड़ने लगेगा। तो हमने यहाँ पर पेचकस लगाया और इम्पेलर के नीचे में जो गैप होता है उस गैप में पेचकस डाल के हल्के हल्के चोट मारेंगे तो निकल जाएगा। इसमें की होता है और ये पानी के अंदर चलता है तो जंग लग के ये टाइट हो जाता है, इसीलिए थोड़ा हमें इसे निकालने में मुश्किल होता है। तो चलिए हम थोड़ा इसे चोट मार के बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा हल्का हल्का इम्पेलर आ रहा है और हम सावधानी के साथ यहाँ छेनी से और पेचकस से इसे निकाल रहे हैं। तो देखिए ये हमारा इम्पेलर निकल गया।
कुछ इस प्रकार का दिखता है दोस्तों। बहुत सारे मोटर में प्लास्टिक के इंपेलर होते हैं, बहुत सारे मोटर में दोस्तों ढलाई किया हुआ लोहे का इंपेलर होते हैं। इसमें हमारा लोहे का है और इसमें जो पेपर लगा है, आप चाहें तो पेचकस से तार लगा के अच्छे प्रकार से साफ़ कर देंगे। फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे कि ज़्यादा हेवी से क्लीन हो इसके लेकर हम इसमें आग लगा देंगे। आग लगा देंगे तो क्या होगा, जो प्लोथिन है, जो प्लास्टिक है, पेपर वगैरह है, वो सब जल जाएगा और ये हमारा केमिकल में चलता है दोस्तों, तो वो केमिकल भी जल के पूरा हमारा इंपेलर प्रॉपर क्लीन हो जाएगा। हमने वीडियो को छोटा बनाने के लिए वीडियो को स्पीड कर दिया है ताकि आप बोर ना हो और आपको थोड़े टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसके वजह से अच्छे प्रकार से इसको जला के क्लीन कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको क्लीन कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको इस पर ब्रश व्रश मार के पेचकस से तार तूर से जो भी थोड़ा बहुत अंदर में फंसा होगा बिल्कुल अच्छे प्रकार से खुरुच खुरुच के इसको साफ़ कर लेना है। और कोई पतली तार होगी आपके पास 2 mm 3 mm की, तो इस तार से इस प्रकार के इंपेलर के जो स्लॉट बनाए होते हैं दोस्तों, उस स्लॉट में आपको डाल के अच्छे प्रकार से क्लीन कर लेना है ताकि इसमें थोड़ा सा भी कचरा ना रहे। क्योंकि अगर कचरा रहेगा तो फिर से वही दिक्कत आएगा कि आपके जो मोनोब्लॉक है, जो ये पंप है दोस्तों, वो पानी नहीं उठाएगा। तो हमने इसको यहाँ पर अच्छे प्रकार से बिल्कुल खुरच खुरच के क्लीन कर दिया है। इसमें जो दोस्तों हमारा वाल सील लगा हुआ है, ये वाल सील सही है तो हम वाल सील को नहीं छेड़छाड़ करेंगे और जिस प्रकार से इंपेलर आपने खोला था बिल्कुल उसी प्रकार से आपको इंपेलर लगा देना है दोस्तों। इसके अंदर एक चाबी भी होता है जिसको बहुत सारे लोग इंग्लिश में की भी कहते हैं, तो की के बराबर में स्लॉट को फिट करके और इंपेलर को फिट कर देना है। हल्के हल्के हथौड़ा से चोट मारेंगे, ज़्यादा चोट आपको नहीं मारना है, नहीं तो आपको हो सकता है कि जो मोटर के अंदर बैरिंग है वो बैरिंग आपके ख़राब हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारा इंपेलर फिट हो चुका है और इसे घुमा के प्रॉपर देख लेंगे कहीं लड़ता है कि नहीं। इसमें अगर आपने पहले से वाशर, जब खोलते टाइम वाशर निकला होगा तो वाशर को डाल देंगे। अगर ये नट ख़राब होगा दोस्तों तो ये नट भी नया डाल देंगे, लेकिन एसएस का नट डालेंगे। स्टील का नट डालने से क्या होगा कि पानी में चलेगा तो इसमें जंग नहीं लगेगा, क्योंकि इसका साफ्टे वगैरह जो होता है वो सब एसएस का होता है। तो हमारा नट यहाँ पर सही था तो हम उसी नट को डाल के और पाइप रिंच से दोस्तों पकड़ के अच्छे प्रकार से इसको टाइट कर देंगे ताकि हमारे इंपेलर चलते चलते खुल ना जाए मोटर के अंदर। तो बिल्कुल अच्छे प्रकार से आपको एकदम टाइट करना है और कोई भी काम आपको घबरा के नहीं करना है, बहुत ध्यान से आपको काम करना है, नहीं तो एक चीज़ बनाने के चक्कर में बिगड़ जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एना बॉन्ड लेना है। जो दोस्तों एना बॉन्ड होता है वो हमें लीक लुक होने से बचाता है, तो ये मोटर का मामला है, अगर लीक होगा तो फिर भी पानी नहीं उठाएगा। तो इसके चारों तरफ अच्छे प्रकार से थोड़ी मोटी करके एना बॉन्ड लगा देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर एना बॉन्ड जो होता है हमारा, वो हमने एना बॉन्ड लगा दिया है और इसका ऊपर में जो कवर था दोस्तों उसके ऊपर में हमने एना बॉन्ड लगा दिया है। दोनों पर एना बॉन्ड लगा के जब हम टाइट करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे मोटर में थोड़ा सा भी एयर लीकेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद आपने जैसे खोला था बिल्कुल उसी प्रकार से एकदम प्यार से और सावधानी से इसको टाइट कर देंगे। तो देखिए हमने जैसे कि यहाँ पर टाइट किया, अब इसमें एक स्प्रिंग वाशर था, एक नट था, उसको लगा देंगे। चारों नट और स्प्रिंग वाशर, पहले स्प्रिंग वाशर डाल के नट लगा के और इसको बराबर टाइट करना है, मतलब आमने सामने वाले नहीं, तिरछे तिरछे आपको टाइट करना है। अगर आपने एक नंबर टाइट किए तब 3 नंबर टाइट करना है, अब 3 नंबर कर रहे हैं तो फिर 4 नंबर करना है, ऐसे करके आपको टाइट करना है कोना कोनी में। उससे क्या होगा कि आपके मोटर बराबर बैठेंगे इसके ऊपर के जो कवर है और कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ये सब करने के बाद जो दोस्तों एना बॉन्ड बाहर निकल जाएगा उसको आपको अच्छे प्रकार से चिपका देना है उसी साइड में जहाँ से वो बाहर निकल रहा था, ताकि थोड़ा सा भी हमारा लीक ना हो। और जो कूलिंग फैन है इसको अच्छे प्रकार से खुरकुच के साफ करके और इसमें वापस से डाल देंगे और जो पिन था उस पिन को भी फिट कर देंगे। दोस्तों हमारा ये साफ़ करेंगे फिर 2 दिन के बाद बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। तो हल्के फुल्के हमने साफ़ कर दिया ताकि ज़्यादा कचरा भी रहने से हमारा मोटर पर लोड पड़ता है, तो हमने यहाँ पर हल्के फुल्के साफ़ कर दिया है। साफ़ करने के बाद इसके पीछे का जो कवर है दोस्तों कूलिंग फैन का, इस कवर को भी हम लोग लगा के और इसमें जो स्क्रू था इसको टाइट कर देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके अगर 3-phase pump हो या सिंगल फेस पंप हो, अगर जाम हो जाता है और दोस्तों पानी नहीं उठाता है, तो आप उसका इस प्रकार से रिपेयर कर सकते हो और सर्विस कर सकते हो और बहुत ही आसानी से आप अपने पैसे बचा सकते हो, घर बैठे हुए अपने जो मोनोब्लॉक होता है, पंप होता है, उसे रिपेयर कर सक
करके। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं इसी के साथ एक और नए वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में आप हमें